हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नदी के बीचों बीच फंसी बच्चों से भरी जीप, बच्चों को छोड़कर भाग गया ड्राइवर। जीप में सवार थे 20 बच्चे, पास से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने किया रेस्क्यू। उत्तरी कन्नड़ में 4 दिन से लगातार बारिश, खोले गए डैम के गेट। शिमोगा जिले में चारों तरफ पानी पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ग्रेटर नोएडा में बेटी को बुलेट चलाने में मामले में पकड़ा तूल, दबंगों ने पिता पुत्री को जान से मारने की धमकी दी। गुजरात के वलसाड में 4 घंटे की बारिश से जल जमा, पानी भरने से 4 घंटे बाद रहा अहमदाबाद हाईवे। कर्नाटक के कलबुर्गी में सड़क का सर्वे, गड्ढों को भरने का अभियान। मूसलाधार बारिश के बाद कैमरे में कैद हुआ जोग जलप्रपात का अद्भुत नजारा, 830 फीट से गिरती है श्रावस्ती नदी। ओडिशा के कई इलाकों में रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्वच्छता की दृष्टि से देश का सबसे बेहतर धार्मिक स्थल बना वैष्णो देवी मंदिर, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। दिल्ली में चालान कटने से नाराज युवक ने बाइक पर लगाई आग, पुलिस ने लिया हिरासत में। इंदौर की बिल्डिंग में आग, 4 झुलसे, 10 से ज्यादा गाड़ियां जली। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने कोच सुरजीत गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर सुनाई कहानी, आरोपी सुरजीत का कॉन्ट्रैक्ट किया गया खत्म। नोएडा से हरिद्वार घूमने गए 4 दोस्तों में से 3 महीने से लापता 3, पुलिस के खिलाफ भड़का गुस्सा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आज ऐतिहासिक दिन, चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 2। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर की निगाहें, आज रात 1:30 से 2:30 बजे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। लैंडिंग के करीब 2 घंटे बाद सामने आएगा सबसे अहम पड़ाव, रोवर प्रज्ञान शुरू करेगा चांद की जमीन पर अपना सफर। 14 दिन तक कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा प्रज्ञान रोवर, चांद पर भूकंप की हलचलों का करेगा टेस्ट। चांद से करीब 140 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा ऑर्बिटर, 2 साल तक भेजता रहेगा चांद की तस्वीरें। भारत की इस शानदार सफलता के साक्षी बनेंगे पीएम, लैंडिंग के वक्त इसरो में खुद रहेंगे मौजूद। आज रात करीब 9:15 बजे बेंगलुरु जाएंगे पीएम, रात 2 बजे पहुंचेंगे इसरो सेंटर। लैंडिंग के बाद होटल लौट आएंगे पीएम, फिर एक बार सुबह 6 बजे जाएंगे इसरो। पीएम मोदी के साथ स्कूल बच्चे भी देखेंगे लैंडिंग, देश भर में 74 बच्चों का चुनाव। रूस, अमेरिका और चीन के बाद इस कामयाबी को हासिल करने वाला 4था देश बन जाएगा भारत, पूरी दुनिया की नजर भारत पर। बिहार के समस्तीपुर में छात्र ने खुद ही रची अपहरण की साजिश, पिता से मांगी थी 10 लाख की फिरौती। यूपी के महोबा में पत्नी ने प्रधानाचार्य का पद दिलाने के लिए पति का ड्रामा, पहाड़ी पर चढ़कर दी खुदकुशी की धमकी। बिहार के गया में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल कार बरामद। गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली में कार से बैटरी चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। पटियाला में बाजार में बिगड़ी हवलदार की सेहत, जल जमाव की वजह से समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। गुरुग्राम में चोरी के शक में पश्चिम बंगाल की महिला से थाने में मारपीट, मकान मालिक ने लगाया था आरोप, लोगों ने किया थाने का घेराव, थाना प्रभारी और केस के आईओ को किया गया सस्पेंड। दिल्ली पुलिस ने चोरों के गैंग को पकड़ा, 100 से ज्यादा मामलों में आरोपी। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट पर उठाए सवाल, कहा अगर कोर्ट ही ईडी सीबीआई को कहे तो अंतिम सत्य मान लिया जाए तो खतरे में पड़ जाएगी आजादी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में घटी पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम की बीती रात, रखा गया अलग सेल में। चश्मा और दवाइयों को साथ लाने की अनुमति, जेल मैनुअल के हिसाब से एक तकिया और कंबल मिला। जेल नंबर 7 में रखा गया है पी चिदम्बरम को, बेटे कार्ती भी रहे थे इसी जेल में। जेल से आने के बाद सबसे पहले चिदम्बरम का किया गया मेडिकल टेस्ट, रात के खाने में चावल दाल और रोटी। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी हैं पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम, 14 दिन के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल। 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे पी चिदम्बरम, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की संभावित गिरफ्तारी से नहीं दी थी अग्रिम जमानत। सूत्रों के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री को जेल में मिली अतिरिक्त सुरक्षा, कोर्ट ने दिया था निर्देश। तिहाड़ जाने से पहले पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार पर कसा तंज, कहा मुझे अपनी नहीं सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता। एयरसेल मैक्सिस केस के दूसरे मामले में चिदम्बरम और बेटे कार्ती को मिली अग्रिम जमानत, सीबीआई की विशेष कोर्ट से राहत। बिहार के कटिहार में 4 स्कूली छात्र छात्राओं को मारुति वैन से रौंदा गया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, प्रॉपर्टी को लेकर बेटे ने किया मां का कत्ल। जयपुर में कुल्हाड़ी से कारोबारी की हत्या, स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन, थाने का घेराव। भरतपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान लाठीचार्ज, महिला कलाकारों पर पथराव करने पर पुलिस की कार्रवाई। जैसलमेर में सेना के ट्रक और कार की भिड़ंत, हादसे में पुलिस अधिकारी की मौत। बिहार के जहानाबाद में अंबेडकर आवासीय बालिका छात्रावास की लड़कियों की शिकायत, एनजीओ संचालक पर अभद्र व्यवहार का आरोप।
कुल्लू के पवित्र संगम स्थल पर जुटे भक्त, धार्मिक नगरी मणिकर्ण में पवित्र स्नान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 34 साल की उम्र में मां बनी एक महिला, दो जुड़वा लड़कियों के पापा बने 80 साल के राजा राव। 99 साल की नानी ने ऑपरेशन से 1 घंटे पहले कराई गोद भराई की रस्म, 1962 में हुई थी बेटी की शादी। 2 दिन की रूस यात्रा के बाद कल रात लौटे पीएम मोदी, रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए था दौरा। वाराणसी में दिव्यांग बच्चों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे 69वां जन्मदिन, 17 सितंबर को है बर्थडे। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता के बीच खींचतान पर सोनिया गांधी की सख्ती, प्रदेश यूनिट को जल्द विवाद सुलझाने के लिए कहा। योगी सरकार के मंत्री सीखेंगे मैनेजमेंट के गुर, आईआईएम लखनऊ में लगेगी नेताजी के पढ़ाने की क्लास। डेंगू के मरीजों से भर गए हल्द्वानी के अस्पताल, दूसरे जिलों का रुख करने के लिए मजबूर लोग। कश्मीर घाटी में अलग अलग इलाकों में आतंकी संगठनों ने लगाए पोस्टर, युवाओं को भड़काने की कोशिश। पोस्टर में लिखा सरकार का सहयोग ना करें, जो सहयोग करेगा वो गद्दार होगा। सरकारी कर्मचारियों, व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों को धमकी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़क पर ना निकाले वरना कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 370 लगने के बाद आज 5वां शुक्रवार, संवेदनशील इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी बरकरार, अपने रक्षा दिवस को कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाने का ले चुका है फैसला। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर छापेमारी, पत्नी तजीम फातिमा बिजली चोरी पर उन पर मुकदमा दर्ज। राजस्थान के डूंगरपुर में ग्राम प्रधान की दबंग गई, विधायक के साथ बदसलूकी का आरोप। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन का था कार्यक्रम, संबोधन को लेकर बिगड़ी बात। एनआरसी में कई हिंदुओं के नाम न होने से बजरंग दल नाराज, 12 घंटे का असम बंद बुलाया। एमपी के शिवपुरी में खौफनाक वारदात, प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बहन और जीजा को डंपर से रौंदा। इंडिगो पर बारिश की वजह से रुके प्लेन में यात्रियों को जबरदस्ती बिठाए रहने का आरोप, मुंबई जयपुर फ्लाइट मामले की जांच करेगा डीजीसीए। जुलाई अगस्त में हुई मानसून की 70% बारिश, इस अगस्त में 12 साल में सबसे ज्यादा बरसात हुई। अक्टूबर से दोबारा शुरू होगी एमजी हेक्टर की बुकिंग, लॉन्च के तुरंत बाद हुई थी 28,000 कारों की बुकिंग। जम्मू कश्मीर में युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द किया जाएगा 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। गूगल पर लगा 12,24,000 करोड़ का जुर्माना, गैरकानूनी तरीके से यूट्यूब पर बच्चों का डेटा किया था स्टोर। बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा का रियल एस्टेट कंपनी में 400 लोगों की छटनी, लोढ़ा डेवलपर्स था मैक्रोटिक डेवलपर्स का पुराना नाम। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में बेकार पड़े हैं 100 करोड़ के कारपेट, 900 रुपए वाले सेब की पेटी के मिल रहे हैं अब 300 रुपए। कार कंपनियों के उदय कोटक ने दी बदलते हालात को समझने की सलाह, कहा कार खरीदना अब नहीं रही लोगों की प्राथमिकता। मंदी से परेशान मारुति की कारों पर फेस्टिव सीजन में मिलेगा भारी डिस्काउंट, 1,30,000 रुपए तक सस्ती मिलेंगी कारें। मंदी के दौर में एफडीआई के मोर्चे पर बड़ी राहत, अप्रैल जून तिमाही में 1,17,00,000 पर एफडीआई का आंकड़ा। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, एमसीएलआर लिंक रेट में 1 सितंबर से कमी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बंद नहीं होंगी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, ऑटो इंडस्ट्री की भरपूर मदद करेगी सरकार। नए मोटर व्हीकल एक्ट ने बढ़ाई इंश्योरेंस पॉलिसीज की बिक्री, 4 दिन में 1,25,000 लोगों ने ऑनलाइन खरीदा व्हीकल इंश्योरेंस। हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी घटाने की तैयारी में सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले ही की जा चुकी है कमी। अब महज 59 मिनट में मिलेगा होम और पर्सनल लोन, सभी 19 सरकारी बैंकों में शुरू होगी सुविधा। चौथे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 497 रन पर घोषित की पहली पारी, स्मिथ का दोहरा शतक, कप्तान पेन और स्टार्क की 50। मैनचेस्टर टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने खेली 211 रन की पारी, 26वें शतक के साथ विराट कोहली को शतक और रन के मामले में पछाड़ा। 121 पारियों में 26 टेस्ट शतक लगाकर स्मिथ ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा, सचिन ने 26 शतक के लिए खेली थी 136 पारियां। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में ओमान ने भारत को 2-1 से हराया, पहले हाफ तक 1-0 से आगे था भारत। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में नडाल 7 सितंबर को इटली के बेरेटिनी से होगा मुकाबला। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में हरिकेन से बर्बादी, शहर में सैलाब। हरिकेन के बाद समंदर की लहरों के साथ किनारे पर बहकर आई एक जीप, समंदर किनारे फंसी जीप के साथ लोगों में तस्वीर लेने की मची होड़, चेतावनी की भी अनदेखी। पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में लगातार आग, आसपास के छोटे शहरों पर खतरा। ब्रिटेन की प्रिंसेस शैलॉट का स्कूल का पहला दिन, प्रिंस जॉर्ज और केट मिडलटन आए साथ। कजाकिस्तान में चीनी दखलंदाजी और निवेश के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, रही चीनी फैक्ट्रियां को बंद करने की मांग। काबुल में अमेरिकी दूतावास के पास कार में धमाका, 10 लोगों की मौत। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में भयानक बस हादसा, 5 सैलानियों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। बहामास में डोरियन तूफान ने जमकर मचाई तबाही,
संयुक्त राष्ट्र ने दी $1 मिलियन की इमरजेंसी मदद। फ्लोरिडा में डॉरियन से निपटने की तैयारी, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।